कोटे तो कुला तो बारू हाल जाए घर बंद है पिंदे आपके पक्के हमें थोड़ी जावा के बोल लगे तो आपने बटे थी के हाली को हाली हो यार थारो डैडी एक बार पक्के पिंदे हां पक्के पिंदे धमनी आपने आना फोन लगे तो का क्या है यहां पे गई ना सही अरे दियो ना जरा हीरो ना इसे तो नमस्कार दोस्तों YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हम आए थे ग्राम बरखेड़ा देव और आप देख सकते हैं आते ही हमें सांप दिखाई दे चुका है। और ये सांप एक इंडियन रेड स्नेक धामन सांप और इसको व्यवस्थित तरीके से निकालने की कोशिश करते हैं। पहले आगे जाइरो हेलो आगा केनो बटे तो कुला कम है कशो मारो अरे चलो चलो बाहर चलो पति हां बाबू ने कहा है तुझे पायो ए बेटे ओ फोन आ गए कैरियो कैरियो ए पिंजरे में और साइज देख के लोग इसके डर जाते हैं और सांप नाम ही काफी है डराने के लिए लोगों को। और आप देख सकते हैं इस सांप को, यह सांप विषैला सांप तो नहीं होता लेकिन इसकी साइज देख के ही लोग डरते हैं। और आप देख सकते हैं किसानों के घर हैं और ज्यादातर किसानों के घर में ये प्रवेश कर जाते हैं अपने भोजन की तलाश में। तो वीडियो रेक कर आप इन सांपों को बिल्कुल भी पकड़ने की कोशिश ना करें, ये घातक और जानलेवा हो सकता है। ऐसा सांप कभी भी दिखाई देता मुझे मारे नहीं, हमेशा वन टू हम इसकी पहचान दिखाने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं इसकी पहचान दिखाने की कोशिश करेंगे हम आपको। रेड स्नेक धामन सांप और ये सांप बिल्कुल भी विषैला सांप नहीं होता लेकिन काटते हर सांप है अपने बचाव के लिए ही हमेशा सांप काटता है, जानबूझ के सांप कभी नहीं काटेगा। तो हमने इसको व्यवस्थित तरीके से रेस्क्यू कर लिया है और जल्दी हम इसको अपनी प्रकृति में फिर से छोड़ेंगे। तब तक बने रहें वीडियो में। जय हिंद जय भारत। आपको भी नहीं भरेगा सर, हाथ लगाओ। सांप सांप कभी भी ध्यान रखो ऐसे कभी नहीं काटेगा जब तक इसको अपन दबाने की कोशिश नहीं करेगी। बेवजह सांप कभी नहीं काटता है जब तक बार पहुंचे पग लग गए। हाँ पैर वेर लग जाए कोई बात नहीं, उस टाइम पे काट सकता है क्योंकि एकदम छेड़छाड़ हुई इसके साथ। और ऐसे अगर हमने अभी पकड़ रखा ना तो हो सकता है कि हमला भी कर दे। ऐसा नहीं है कि हमको सांप नहीं काटते, काटेगा ऐसी बात नहीं है।
लेकिन ये क्या है कि अभी इसको पता चल रहा है कि यार मेरे को पकड़ तो लिया, लेकिन हो सकता है कि ये अच्छी जगह छोड़ दे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसकी पहचान, चेहरा छोटा, साइज में काफ़ी लंबी पाई गई इसकी साइज़ें, करीब 9 से 10 फीट तक, और नीचे से सफ़ेद और काली लाइनिंग दिखाई दे रही होगी आपको। और आप देख सकते हैं इसको उसी तरीके से रेस्क्यू कर लिया है, और जल्दी हम इसको अपनी प्रकृति में छोड़ेंगे। तब तक बने रहे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। वो जो आंटी कैसे ले लिया ना खा लो नहीं तो ये तो अभी अंदर ही इतनी सी जगह में तो वैसे भी बैठता है।